नमस्कार, मैं हूं देवांजली मोइत्रा। जब से 370 हटा है तभी से दिन में 5 बार ट्वीट करके और अगर कहीं सभा है तो सभा में बोलते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भारत को ललकारते हैं और कहते हैं कि कश्मीरियों पर किए अत्याचार और बहे खून का बदला पाकिस्तान एक एक करके लेगा। वहीं जब कप्तान ही बेलगाम हो जाए तो प्लेयर का क्या, प्लेयर भी यही कर रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के एक मंत्री हैं फवाद चौधरी और दूसरे हैं शेख राशिद। ये दोनों भाई साहब अपने कप्तान इमरान खान के नक्शे पर चलते हुए इन्होंने भी भारत को खूब धमकी दी और पाकिस्तान को अपने बयानों से खूब लज्जित किया। तीसरे हैं पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। ये भाई साहब तो इतने झूठ बोलते हैं कि पूछना नहीं। और चौथे हैं पाक सेना। पाक सेना के अध्यक्ष जनरल बाजवा ने तो बकायदा ये बात ऐलान कर दी कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। लेकिन अचानक पाकिस्तान में भूचाल आ गया और पाक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। इस बात का खुलासा पाकिस्तान के डॉन अखबार ने किया है। कराची में बोलते हुए इमरान खान ने कहा है कि दुनिया भारत को समझाए, नहीं तो भारत के युद्धनुमादी दिमाग और खतरनाक हथियारों की खरीद बता रही है कि भारत दक्षिण एशिया में शांति नहीं चाहता और दुनिया भारत पर दबाव बनाए कि हथियारों की होड़ ना करे जिससे पड़ोसी देशों को खतरा महसूस ना हो। वहीं पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है और दोनों को साथ आकर काम करना चाहिए जिससे दोनों विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। हम दोनों को चाहिए कि गरीबी, क्लाइमेट चेंज और भुखमरी से लड़ना चाहिए। और वहीं ईरान अमेरिका विवाद पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि अब पाकिस्तान किसी तीसरे देश के लिए जंग नहीं लड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी हो, जब उसकी असलियत खुलती है तो लोग दंग रह जाते हैं। ठीक उसी तरह इमरान खान ने भी पहले तो चिकनी चुपड़ी बात की, फिर अपने रंग में आ गए और कश्मीर को लेकर दुनिया को गलत जानकारी दी। दुनिया को कश्मीर को लेकर भड़काऊ बयान दिए और कहा कि दुनिया भारत को समझे, कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इसे लेकर भारत सरकार और मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भारत कश्मीरियों को मार रहा है। जो भी हो, पाक कहता कुछ है, करता कुछ है और उसका सिर्फ एक ही काम होता है, वो है भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकी तैयार करना और भारत में भेजना।